हेलो सन मून एंड राइजिंग सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2023 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। इस बार मैं आपके लिए फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक वाला करूँगी पैटर्न, और लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सेजिटेरियस के लिए फर्स्ट वीक में क्या मैसेजेस है फॉर नवंबर, सेकेंड वीक फॉर सेजिटेरियस फॉर नवंबर, थर्ड वीक फॉर सेजिटेरियस फॉर नवंबर एंड फोर्थ वीक फॉर सेजिटेरियस फॉर नवंबर। ओके, अंडरनीथ में आपके पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, यस स्टेबिलिटी आ रही है। या अगर आपको किसी तक की तरफ से कमिटमेंट की ज़रूरत थी वो आ रही है। आपकी कोई ख्वाहिश तो पूरी हो रही है आपकी स्टेबिलिटी के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, लेकिन आप अभी भी दो सिचुएशंस में जकल कर रहे हैं। आपको किसी की तरफ से एक अच्छी जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, एक कमिटमेंट ऑफ़र भी हो सकती है, मैरिज ऑफ़र भी हो सकती है, लेकिन आप अभी स्टिल जो है वो इसको भी अपने उस ऑफ़र को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं और पास्ट के किसी ऑफ़र को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सो ये एक जगलिंग पीरियड है, या फिर एक दो सिचुएशंस में आप फंसे हुए हैं कंफ्यूजन में कि आपको इस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकती है। सो फर्स्ट वीक में आपके पास है पेज ऑफ कप्स। सो यस, एक ऑफ़र, अपॉलॉजी, किसी की तरफ से लव मैसेज, कोई लव प्रपोज़ल, जैसे कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है लव ऑफ़र लेकर, और ये एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरफ से भी लव ऑफ़र आपको मिल सकती है। क्वीन ऑफ कप, सो यस, दिस इज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, अपने इमोशंस शो करेगा, अपना लव शो कर सकता है, और या आप किसी को अपना लव शो करना चाहते हैं अपने पास पर्सन को, या उसके लिए बहुत ज़्यादा लवेबल फील कर सकते हैं। आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी या एक ऐसा जेस्चर उस पर्सन की तरफ से आ सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए रेडी है। आपकी इमोशनल लाइफ में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं आप फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में आप बहुत ज़्यादा सोच अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको जो है टाइम चाहिए सोचने का, आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई वाइज डिसीजन लेना है, और सेकेंड वीक में आप अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा वाइजली लेकर चलेंगे। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जहाँ पर आपको बाद में परेशानी का सामना हो, सोच समझ के कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। यस, और आप अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं। ये आप सिंगल रहकर बहुत अच्छा हो सकता है, आप ये डिसीजन लें सेकेंड वीक में कि आपको सिंगल रहना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, या आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर रिलाए किए बगैर आप अपनी लाइफ को कैसे गुजार सकते हैं, ये डिसीजन आपके हो सकते हैं सेकेंड वीक में। और या फिर आप अपने फाइनेंसिस के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप जस्ट ये डिसीजन, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आप अपना मी टाइम बहुत ज़्यादा गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आप में, अपने सेल्फ लव, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड है, और उसको बाहर की दुनिया का कोई से लेना देना नहीं है, तो ये आप हो सकता है आप ऐसी आइसोलेटेड पर्सनैलिटी बन जाए सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में आपके पास है कोई पास पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर सकता है, और जिससे आपका बहुत अरसे से नो कांटेक्ट था वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर वो आपकी अगर फिज़िकली आपकी लाइफ में नहीं आ रहा तो वो आपके क्या कहते हैं मेमोरीज़ में आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं थर्ड वीक में, और या फिर आपको रिकन्सिलिएशन एनर्जी मिल सकती, रिकन्सिलिएशन मिल सकती किसी पास पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेड, कोई अनएक्सपेक्टेड रिकन्सिलिएशन हो सकती है। व्हाई दिस टावर इज़ हेयर, तो यस बैलेंस भी आ सकता है, बैलेंस हो सकता है। व्हाई दिस टावर इज़ हेयर, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियरफाई दिस टावर। ओके, तो यहाँ पे
टावर को क्लियरफाई किया गया है हर्मिट से, अगेन हर्मिट। तो लाइक आपको, आप वाइजली चल रहे हैं, अपने आप में बैलेंस्ड हैं, पेशेंस से आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। यस, फोर्थ वीक में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई माइंड गेम मैनिपुलेशंस और कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है फैमिली में भी या आपके पार्टनर के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और केयरफुल रहने की ज़रूरत है, इसके अलावा यस, हो सके तो आप जो है ना अपनी बातों पे ज़्यादा, अपने वोकल्स पे, अपने वर्ड्स पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। यस, अपनी कम्युनिकेशन को आप बेटर रखें। एक नया स्टार्ट करने के हवाले से, एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की, हो सकता है उसमें आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, हो सकता है अपनी फैमिली की तरफ से, अपने पार्टनर की फैमिली की तरफ से, तो यस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, या तो वो कमिटमेंट ऑफ़र है या फिर वो कोई जॉब ऑफ़र है, जिसकी वजह जो कि हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोगों को अच्छी ना लगे। सो ये एक हो सकती है सिचुएशन, जो तो आपको कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट से अपने आपको दूर रखें, ताकि आपकी आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे, अगर ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं। केमिस्ट्री, आप अपने पार्टनर के साथ अपनी केमिस्ट्री को बिल्डअप करें, यह आपके लिए एक एडवाइस है, ताकि आप जब रिकनसाइल करें तो आप के लिए लाइफ में स्टेबिलिटी आए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, तो अपने पास पर्सन जब वो रिकनसिलिएशन के लिए आपकी तरफ आए तो आपको अपना लाइक पैशन वगैरह आप शो करें, ताकि आप उसको ये जेस्चर शो करें कि आप अभी भी उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, डेस्परेट तो नहीं बट आप पैशनेट हैं उस पर्सन के लिए। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं मनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या एडवाइजेस हैं आपके लिए मनोलॉजी डेक से। वर्क थ्रू योर फेयर्स, अगर आपको किसी चीज़ का फेयर है तो आप उसके ऊपर काम करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं इनको ले नहीं सकती हूँ। ओके, आपको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, अगर आप कोई आपके पास ऑफ़र आई है और आप उसको, आपको इनसिक्योर हो रहे हैं कि क्या पता वो पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो इन फेयर्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपके लिए एडजस्टमेंट्स करनी होंगी आपको। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो आपकी वर्क के लिहाज से भी अगर आपने हार्ड वर्क की थी तो वो भी आपके आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा आपकी हार्डवर्क पे ऑफ हो सकती है, बट आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करें ताकि एडजस्टमेंट करें, ताकि आपको मिले, मतलब आपको आपके रिजल्ट्स मिले। सो दैट वाज योर रीडिंग, इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।